नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी यहाँ से करनाल की सीमा शुरू हो जाती है और यहाँ पे पुलिस कर्मी हैं, तो अभी हम उनसे बात कर लेते हैं किस तरीके से ड्यूटी चल रही है, कितना लोगों का सहयोग मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। सर नमस्ते। नमस्कार, कैसे हो सर? बिल्कुल फाइन सर। किस तरीके का सहयोग मिल रहा है सर जनता से? हमारे यहाँ पर बड़ा अच्छा सहयोग है, क्योंकि हर आदमी लॉकडाउन का पालन कर रहा है और जो मान ली घास फूस है, मान ली डंगरों का चारा वाले हैं, वो आदमी तो एक आधा निकलता है, बाकी पूरा पालन है लॉकडाउन का। और सरकार के दिशा निर्देश अनुसार हम भी अपनी ड्यूटी बड़ी चौकसी बढ़िया तरिया मान ली लोगों को ठीक ठाक रखने के लिए, चैन कोरोना महामारी के एक चैन तोड़ने के लिए हम भी अपनी ड्यूटी पूरी उससे कर रहे हैं, चौकसी से। सर शुभ नाम क्या आपका? ये सही राजा राम जी। और सर जैसे यहाँ पे ड्यूटी 24 घंटे की रहती है या? जी 24 घंटे की ड्यूटी है और एक दूसरे का शिफ्ट वाइज ड्यूटी है। शिफ्ट वाइज ड्यूटी है और बढ़िया चल रही है। देखो होना भी चाहिए सरकार के दिशा निर्देश अनुसार, वो हमारे हर आदमी का फर्ज भी बनता है ये भाई, हम इस बीमारी से बचें और इसका और आप अपने जनता को भी बचाने के लिए दिशा निर्देश अवगत कराए। जैसे सर आगे मोर माजरा गाँव है, वहाँ के लोगों का कितना आपको सहयोग मिला है इस चीज में? मोर माजरा के लोग बहुत बढ़िया है, देखो अपने आप ठीकरी पैरा भी लगा रहे हैं और जनता को भी बढ़िया तरिया मतलब सहानुभूति देगा, अपने गांव वालों को अच्छे अपने घरों में रहने के लिए अवगत कर रहे हैं। सर कोई ऐसा कोई केस मिला मोर माजरा गाँव से कि भाई जो अनुशासनहीनता का केस हो, जो गांव वालों से ठिकरी पैरा में उसने विरोध किया और आप फिर वहां पे जाके आपने कुछ एक्शन लिया हो? नहीं अभी तक अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़े मान ले पढ़े लिखे लड़के लगावा है तकरीबन सरपंच, और सरपंच को भी हिदायत दे रखी है भाई इस बारे भाई किसी से बदतमीजी नहीं करनी है, एमरजेंसी का जो भी है वो एमरजेंसी वाला निकल भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो मान ले खाना खर्चा का या अगर बीमार वाला है जो वो जा सकते हैं, कोई उनके लिए कोई पाबंदी नहीं लगा रखी। और जैसे सर कोई अनुशासनहीनता करता है तो वहाँ पर आपको बुलाया जा सकता है ना? बुलाया भी जा सकता है, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, अनुशासनहीनता करेंगे तो हम जो कानून लीगल कार्रवाई बढ़ेंगी वो करेंगे। लीगल कार्रवाई बिल्कुल के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं जी। और ऐसा अब तक तुम्हारे संज्ञान में आया नहीं है, आएगा तो हम लीगल कार्रवाई करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे ASI सर थे राजाराम जी, तो उन्होंने बताया, और आगे मोर माजरा गाँव आता है तो अभी मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ किस तरीके से उन्होंने ठिकरी पैरा लगाया हुआ है। और अंदर की बात तो वही बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो जो बाहर जो जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वही सर से कनेक्ट हो पाते हैं, लेकिन वो उन लोगों से भी कनेक्ट होंगे जो गाँव में रहते हैं, तो किस तरीके से गाँव के सहयोग दे रहे हैं हम गांव के लोगों को भी इस बारे बार बार अवगत करा रहे हैं। जो भी जिम्मा रहे हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हाँ जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनकी जिम्मेदारी फिक्स कर रहे हैं भाई, लोग बच कर रहे मतलब अपने घरों में रहेंगे और अपने बच्चों को भी अपने पास घर में ही रखेंगे, क्योंकि महामारी का प्रकोप है, इसकी चैन हमने तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। बड़ा ज़रूरी सर, जैसे कल नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया लगा के एकता का प्रतीक दिया है, इस पर आपका कुछ कहना? हमने भी इसको उनके दिए दिशा निर्देश अनुसार वो लगाए थे, दिए लगाए थे और दिशा निर्देश अनुसार 9 मिनट तक हमने भी उनकी बात मतलब उनकी बातों को बड़ी ज्ञानता से निभाया है और निभाते रहेंगे। तो जैसे सर ने अपने विचार रखे हैं और बताया यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, गाँव के लोग सहयोग करते हैं, आने जाने वाले कोई एक दो केस आ जाता है बिना काम का होता है तो उसे उल्टा भेज दिया जाता है, और कोई इमरजेंसी केस होता है तो उसे क्रॉसिंग भी देते हैं कि आप जा सकते हो। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।